हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुक्का लगाने का क्या है तरीका। थोड़ा सा मजाकिया शब्द है तुक्का, बट वाकई में एक साइंटिफिक तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका मैं बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप तुक्कों के जरिए नेगेटिव मार्किंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को क्लियरली समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं। ये नहीं कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे तभी आप उसको देखेंगे, आप इसको जब भी अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें और डेफिनेटली यहां पर ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि एग्जाम का ही टाइम चल रहा है, अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका होने जा रहा है। तो अब ये चीज आप क्लियरली समझते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपके पास टाइम है 90 मिनट का, तो टाइम की तो कोई कमी नहीं है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो होगा ही नहीं कि जो ये कहे कि मैं 100 क्वेश्चन जी 90 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर पाता। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हर बच्चा कम से कम इतनी स्पीड तो मेंटेन करके चल रहा है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में कर लेता है। स्पीड का कोई बहुत बड़ा यहां पर मैटर नहीं है। हां, अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं और वहां पर आप टाइम वेस्ट कर देते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन कोई फंसाने की कोशिश करता है उसको आप स्किप करें, आगे बढ़े और जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच रहा है तो तब जाकर उस क्वेश्चन पर जाकर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपको अटकाने की फंसाने की कोशिश करता है तो उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। तो 100 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब यहां पर होता क्या है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि केवल 40 या 45 का ही स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, 40 या 45 का स्कोर कर पाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 100 में से केवल उनको पता है कि 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन के आंसर की यहां पर मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे से ये सवाल करते हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूं भाई पेपर देकर आए आप, उसने बोला कि हाँ सर मैंने एग्जाम दिया, मैंने पूछा भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसने कहा सर मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने केवल 45 ही क्वेश्चन के आंसर दिए जो कि सही हैं। देखिए ये चीज जग जाहिर है, आप भी इसको समझ लीजिए और शायद पहले से आप जानते होंगे, अगर आप किसी परीक्षा में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ओनली 45, तो बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 45 के 45 क्वेश्चन आपके सारे सही नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी क्वेश्चन में हम कोई ना कोई मिस्टेक छोटी मोटी कर देते हैं और उसी से ही हमारे 45 क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की एक हैबिट डालनी होगी। और ये भी आप समझ रहे हैं कि केवल अगर 45 क्वेश्चन आप करके आएंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। भाई आपको कहां से कॉन्फिडेंस आ गया कि केवल 45 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर लूंगा? समझ रहे हैं ना, केवल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, सही की बात नहीं कर रहा मैं, केवल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई भी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, है ना, ज्यादा अटेम्प्ट करने। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपको 90 और कोशिश कर लेनी है 95 तक की भी, कि आप 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम है तो ये भी आप जानते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही रहती है। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, यहां जो हमारी मार्किंग है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक मार्क्स आपका पक्का हो जाता है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 0.33। यानी कि अगर किसी पेपर में आपने दो क्वेश्चन किए, जिसमें एक सही किया और एक गलत किया,
फिर भी आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 0.67 आपका मार्क्स यहां पर बन जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा सीन रहता है नेगेटिव मार्किंग का। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। अब मैं 45 क्वेश्चन पर ही बात करूंगा, क्योंकि 45 का ही मैंने यहां पर जिक्र किया है। कि मान लीजिए आप किसी परीक्षा में 45 ऐसे सवालों के आंसर जानते हैं, 45 ऐसे सवालों के आंसर जानते हैं जो आपको बिल्कुल बिलीव है कि ये तो मेरे सभी सही हैं। क्लियर? अब आपको यहां आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है? जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको एक चीज क्लियर कराई थी कि 45 के स्कोर पर भी आप ले सकते हैं सरकारी नौकरी। तो उसमें मैंने कुछ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बताया था, कुछ रेलवे जोन का फैक्टर बताया था, लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं कि इस 45 के स्कोर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं यहां पर क्लियरली आपको बता रहा हूं, है ना? तो तुक्का लगाने का जो साइंटिफिक तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है, वो क्या है, वो आप डिटेल में यहां से समझिए। हमने मान लीजिए किसी परीक्षा में 45 क्वेश्चन सही किए, जिसका हमें बिल्कुल बिलीव है कि जी 45 मैंने बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन रह जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन रह जाते हैं 55। चलिए मैंने कहा कि आपने 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमने मान लीजिए कि हमने 45 क्वेश्चन ही और अटेम्प्ट करने हैं। आप 55 की भी अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे 55 ही करने हैं, ठीक है? तो अब ऐसे इसमें उन सवालों का चयन करना है जहां पर डाउट वाली कंडीशन रहती है, जिसको हम कहते हैं कि एलिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट कैसे करते हैं। मतलब काफी सारे ऐसे सवाल हैं भाई, जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है? तो आपको ये लग रहा है कि इसका आंसर हमारा डी नहीं होगा, ठीक है? कोई आपने सवाल पढ़ा और आपको यह लग गया कि भाई डी तो इसका आंसर किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता। तुक्का लगाने के लिए भी दिमाग लगाने की जरूरत है, मैं केवल अंधे तुक्के लगाने की यहां पर बात ही नहीं कर रहा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस हमारा क्या कहता है कि यहां पर उन विकल्पों का आप एलिमिनेट करते चलिए, उन विकल्पों को हटाते चलिए जो आपको लगता है बिल्कुल कि यह तो इसका आंसर होना नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक आंसर क्वेश्चन ले लेता हूं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है? हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आ गया बाबर, एक ऑप्शन आ गया अकबर, एक ऑप्शन आ गया सी, यहां पर आ गया आपका हुमायूं, और एक ऑप्शन आ गया आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन आ गया यहां पर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया अशोक। अब हम ये समझ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य जो था वो मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था, ठीक है? अब मुगल साम्राज्य जो था वो मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था और अशोक जो है वो मुस्लिम शासक तो नहीं है, तो हम इसको यहां से हटा सकते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा लिया तो अब जो आपका डाउट रहेगा वो 3 में रहेगा, जो यानी कि आपको अभी तक जो आपके आंसर सही करने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी, प्रायिकता बन रही थी, वो 1 बन रही थी 4 में, अब वो कितनी रह गई, 1 में रह गई, 3 में रह गई 1 की प्रायिकता, यानी कि अब 3 में 1 अवसर आपका सही होने का रहेगा। तो जब भी आप इस तरह के सवालों में आते हैं तो डेफिनेटली उस तरह के सवालों को जरूर से अटेम्प्ट करें। कुछ ऐसे भी सवाल रहेंगे जहां पर आपको 2 ऑप्शन आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर जाएंगे, 2 ऑप्शन पूरी तरह से एलिमिनेट कर जाएंगे और क्या होगा कि केवल 2 ऑप्शन में आपको डाउट रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं मानता हूं कि पूरी परीक्षा के अंदर, पूरे एग्जाम के अंदर, 100 क्वेश्चन के अंदर करीब करीब आपको 25 सवाल तो आराम से बिल्कुल मिल जाने हैं जहां पर एलिमिनेशन के साथ आप क्वेश्चंस के नजदीकी आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हमेशा अटेम्प्ट करें। तो जहां आप 45 अटेम्प्ट कर रहे थे, अब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यहां पर आपके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, एलिमिनेशन के जरिए। अब मान लीजिए हमने कहा जी 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अभी 20 सवाल और कर सकते हो या 30 सवाल आप अभी और अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? अब मैंने क्या कहा कि जब एलिमिनेशन से आप 25 सवाल सही करोगे, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने एलिमिनेशन से 25 सवाल सही किए, तो इसका मतलब यह है
कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन में डाउट होगा, कुछ ऐसे होंगे जहां पर आपको तीन में डाउट होगा, जो चारों में डाउट है फिर वो उन सवालों में चले जाएंगे जो लास्ट के मैंने 20 या 30 सवाल आपके छोड़े हैं। चार में डाउट वाला वो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस नहीं है, वो वाला है जहां पर आपको उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, उनको भी करने का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप इस तरह से अगर सवाल करते हैं तो मान लीजिए आपने 25 सवालों में 10 ठीक किए और 15 गलत भी कर लिए, 10 ठीक किए और 15 गलत भी कर लिए, तब भी क्या होगा कि 10 ठीक पे तो 10 मार्क्स हो गए और 15 गलत पे आपके 5 माइनस हो गए, तो फिर भी आपको कितना हो गया नेट प्रॉफिट, जो कुल मिलाकर जो आपको मार्क्स कितना गेन हो गया, 5 मार्क्स आपका गेन हो गया, जो अब से पहले जब आप 45 पर अटके हुए थे, जब आप इस बात का दावा कर रहे थे कि मैं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और इतने मेरे श्योर सही हैं, तो आपके 5 मार्क्स सीधे सीधे यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपका स्कोर अब कितना आ गया, जो अभी तक 45 पर अटका हुआ था वो आपका 50 के स्कोर पर चला गया। मैं कम से कम वाली स्थिति में बोल रहा हूं, मैं कम से कम वाली स्थिति में बोल रहा हूं। वहीं अगर इसको हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर 15 आपके सही हो जाएं और गलत होने वाले क्वेश्चन की संख्या 10 रह जाए, तो आपका अब क्या होगा, ये 15 और इसमें से आपका 3.3 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11.66, यानी कि पहले से 11 नंबर ज्यादा, यानी कि 56.66 आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना, इस थ्योरी को समझ रहे ना पूरी तरह से, ठीक। वहीं आप इस एलिमिनेशन प्रोसेस को और ज्यादा शुद्धता के साथ और ज्यादा प्योरिटी के साथ अगर ले आते हैं तो वहीं आपका स्कोर आगे की तरफ और गेन हो जाएगा। क्लियर? तो जहां आप 45 की सोच रहे थे वहां आप 55-56 तक के स्कोर की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब हम आगे भी आते हैं कि आगे अगर हमारे 20 सवाल या 30 सवाल बच जाते हैं, अगर आगे हमारे 20 या 30 सवाल भी बच जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आप सारे सवालों को सॉल्व करेंगे तब भी आपके गलत होने की संभावना कितनी है, 1/4, यानी 25% आपका सही होने की संभावना है और 3 अवसर हैं आपके गलत होने के। तो ऐसे केस में भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ऐसे केस में भी अटेम्प्ट करना चाहिए भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी कि पूरी तरह से आपका लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इन 20 या 30 सवालों को सॉल्व करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बुरी से बुरी स्थिति यह रहेगी। लेकिन अगर इन 30 सवालों में, मेरी बात को समझना, अगर इन 30 सवालों में आपने 10 सवाल भी ठीक कर लिए और 20 आपके अभी भी गलत, तो कितना, 6.66 नेगेटिव जाएगा तो कितना होगा, 3.33, तो 3.33, और यहां पर हमारा अभी कितना बना था, 56.66, तो कितना स्कोर हो गया आपका, 60 का परफेक्ट स्कोर आपका बन जाएगा, है ना, 60 का आपका परफेक्ट स्कोर हो जाएगा उस कंडीशन में जब केवल आप 45 प्रश्नों के आंसर जानते हैं, केवल आपकी 45% की तैयारी है। ये वो तैयारी होती है बच्चों जिसको बहुत अच्छी तैयारी नहीं बोला जाता, बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी तो जब होगी जब आप इस स्कोर को कहां पर ले जाएंगे, 50+ लेकर जाएंगे, 60 आप ले गए, 65 ले गए या 70 की तरफ ले गए, तो 45 के स्कोर को भी आप 60 तक ले जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया ही है कि 60 का जो स्कोर है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि 50-55 तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, और ये तो फिर भी 60 का स्कोर है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत यहां पर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर को 75, 80+, 85 तक की अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप जो ट्रिक है, जो मैंने यहां पर मेथड बताया है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो समझ में आया पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड? क्लियर? तो कुछ बच्चे बड़े घबराते हैं कि नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग खतरनाक है, लेकिन अगर उसको समझदारी से लिया जाए, देखिए नेगेटिव का असर बुरा कब होगा, जब आप सवाल गलत करेंगे, जब सवाल गलत करेंगे, जब सवाल सही होगा नेगेटिव का कोई असर नहीं होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जो 45 वाला जो आपका बेस, ये बेस आप समझ लीजिए कि एक बेसिक है,
है ना, बेसिक मार्क्स है आपका, बेस मार्क्स, तो इस बेस मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा पहले इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये जितना ज्यादा होगा आपका ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो वो चीज भूल जाइए कि मैंने केवल 45 अटेम्प्ट किए या 50 अटेम्प्ट किए और मैं सरकारी नौकरी के लिए चला जाऊंगा, मैं नहीं चाहता रिस्क उठाना। तो देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में उतर कर आए हैं, अगर कॉम्पिटिशन की दुनिया में उतर कर आए हैं, तो आपको डेफिनेटली रिस्क लेने पड़ेंगे और रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप कि इस पूरे प्रोसेस के जरिए आपको नेगेटिव मार्किंग का खेल समझ में आ गया होगा, तुक्का प्रणाली कैसे तुक्के को अप्लाई किया जाए वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अभी से ही मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखें। जहां आप स्कोर पे केवल कम कर पा रहे थे, आपको डेफिनेटिव 5, 10, 15 नंबर का डेफिनेटिव बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। किसी के माइंड में कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को, और उसको सब्सक्राइब भी कर देना ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि यहां पर मैं एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूं, किस किस तरह की एग्जाम में समस्या आती है वो सारी चीजें मैं यहां पर आपके लिए बिल्कुल पाथ को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ताकि उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके और आप एग्जाम को बेहतर तरीके से पास कर पाए। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।